हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अरवा बोरा वेलकमिंग यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको हाई ब्लड प्रेशर के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, अगर आपको हाइपरटेंशन की शिकायत है, मतलब अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको लेना चाहिए, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है। सो ब्लड के द्वारा, मतलब खून के द्वारा, ब्लड वेसल वॉल पर, जिसको हम आर्टरीज़ भी कहते हैं, तो ब्लड के द्वारा इन आर्टरीज़ पर एक प्रेशर लगाया जाता है। ब्लड इन आर्टरीज़ की जो वॉल होती है, इस पर एक प्रेशर एग्जर्ट करता है। इस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर को हम दो रीडिंग्स में मेजर करते हैं। फर्स्ट इज़ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड सेकेंड इज़ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दोनों कैसे होती हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक? सो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ये जो मेजरमेंट होता है वो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के या फिर हार्ट के पंपिंग के टाइम का प्रेशर होता है, जिसमें हार्ट ब्लड को प्रेशर से पंप करता है आर्टरीज़ में। और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो मेजरमेंट होता है वो हार्ट के रिलैक्सिंग स्टेट का, या फिर रेस्टिंग फेस भी बोल सकते हैं हम उसको, रेस्टिंग फेस का प्रेशर होता है, जिसमें ब्लड हार्ट में फिल होता है। तो ये हार्ट के दो वर्किंग मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा होता है रिलैक्सेशन। तो जो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम रीडिंग आती है वो होती है सिस्टोलिक, और जो रिलैक्सेशन फेस में रीडिंग होती है वो होती है डायस्टोलिक। इसे हम ऊपर और नीचे वाली रीडिंग कहते हैं। ऊपर वाली इज़ सिस्टोलिक रीडिंग एंड नीचे वाली इज़ डायस्टोलिक। अब बात करते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर रीडिंग्स की। सो सिस्टोलिक बीपी, मतलब जो ऊपर वाली रीडिंग होती है, वो 100 से 140 के बीच रहना चाहिए। एंड डायस्टोलिक बीपी, मतलब नीचे वाली रीडिंग जो होती है, वो 60 से 90 के बीच रहना चाहिए। सो नॉर्मली जो बीपी होता है वो 120/80 mmHg या मोर और लेस इससे कम, 110/70 mmHg को हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। नॉर्मल बीपी एंड एबनॉर्मल बीपी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लाइक एज, रेस, सेक्स एट्सेट्रा। अब बात करते हैं हाइपरटेंशन की या हाई ब्लड प्रेशर की। हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। सो अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा होता है तो उस स्थिति को हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मतलब ऊपर वाली रीडिंग जो है वो 140 से अधिक है, एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मतलब नीचे वाली रीडिंग, 90 से अधिक है, तो हम इसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। एज, सेक्स या सिस्टेमिक डिसीजेस के हिसाब से ये रीडिंग अलग अलग होती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी लेना है आपको। सो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है डॉक्टर रेक्वेक की आर सीरीज़ में से ड्रॉप नंबर R85। इट इज़ ऑल्सो नेम्ड एज सिफेबोल एंड हाई ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स। इसके बॉक्स पैकेजिंग जो है इसमें मैंशनड रहता है। आई विल एड द पिक्चर सो यू कैन सी इट क्लियरली। यहाँ पर इसमें मैंशनड रहता है सिफेबोल एंड हाई ब्लड प्रेशर ड्रॉप। बहुत इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए। इनफैक्ट बेस्ट मेडिसिन है, बेस्ट कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, विथ 100% रिजल्ट। मेनली हाई ब्लड प्रेशर के लिए या हाइपरटेंशन के लिए ही इंडिकेटेड है ये कॉम्बिनेशन। इसके कॉम्पोजिशन की बात करते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें है। सो जो फर्स्ट कंटेंट है इसका वो है एलियम सटाइवम, वेल नोन होम्योपैथिक मेडिसिन है, हाई ब्लड प्रेशर में प्रिस्क्राइब की जाने वाली टॉप लीडिंग होम्योपैथिक मेडिसिन है ये। हाई बीपी को नॉर्मल करने में हेल्प करती है। सेकेंड मेडिसिन जो है इसमें वो है सिट्रस मेडिका। इस मेडिसिन का स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक इफेक्ट होता है। थर्ड मेडिसिन है इसमें काली जुडेटम, ये ब्लड की विस्कोसिटी को घटाती है, जिससे जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होता है। नेक्स्ट है इसमें काली फॉस एंड मीजन सेफेलॉन, हाई बीपी को नॉर्मल करने में, रेगुलर करने में ये हेल्प करती है। नेक्स्ट मेडिसिन हैं इसमें रेंडी 12 एंड टार्टेरस, जो हार्मोनल डिस्टरबेंस के कारण जब बीपी बढ़ जाता है तो उस इस वजह से जो बढ़े हुए बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करती है ये मेडिसिन। एंड लास्ट मेडिसिन है इसमें वेलेरियना,
ये घबराहट, चक्कर, एन्जाइटी, स्वेटिंग, ये सारे जो एसोसिएटेड सिम्टम रहते हैं हाइपरटेंशन के साथ, इन सारे सिम्टम्स को काम करती है ये मेडिसिन। सो फ्रेंड्स, ये कंटेंट है R85 ड्रॉप्स के। R85 ड्रॉप्स आपको लेना कैसे है? सो R85 ड्रॉप्स आपको 10 से 15 बूंदे एक कप पानी के साथ दिन में 3 बार लेना है, नॉर्मली रेस्ड BP में, फ्रॉम माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में, जब आपका BP बढ़ा हुआ है तो, और सीवियर केसेस में जब आपका BP बहुत ही ज़्यादा हाई है, तब आप R85 की 10 बूंदे एक कप पानी के साथ दिन में 5 से 6 बार भी ले सकते हैं। रेगुलर BP चेक करते रहना है आपको। जैसे ही आपका BP कंट्रोल हो जाता है तो आप इसका डोज रिड्यूस कर दें और दिन में 3 बार ही इसको सुबह, दोपहर, शाम कंटिन्यू करें। कंटिन्यू आपको यूज़ करना है ये मेडिसिन को। 30 ml पैकेजिंग में आती है ये मेडिसिन R85 ड्रॉप्स। इसका जो MRP है वो 270 rupees है। किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पर आपको ईजिली मिल जाएगी ये मेडिसिन। अगर आपको ऑनलाइन परचेस करना है तो आपको ये मेडिसिन healthmug.com पर मिल जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है रॉयल्फिया सर्पेंटीना मदर टिंचर। रॉयल्फिया सर्पेंटीना बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है हाई ब्लड प्रेशर के लिए और हाई BP से एसोसिएटेड सिम्टम्स के लिए, लाइक घबराहट, बेचैनी, चक्कर आना, नींद नहीं आना एट्सेट्रा। ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है ये मेडिसिन, नॉर्मल करने में उसको हेल्प करती है। रॉयल्फिया सर्पेंटीना मदर टिंचर आपको SBL, डॉक्टर रेक्वेग या WSI का किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से परचेस करना है। इसके बाद आपको इसकी 20 बूंदे आधे कप पानी के साथ दिन में 3 बार लेना है। बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। सो फ्रेंड्स, R85 और रॉयल्फिया सर्पेंटीना मदर टिंचर दोनों ही मेडिसिन आपको लगातार यूज़ करना है और रेगुलरली अपना BP चेक करना है। एक डिजिटल BP अपैरेटस आप परचेस कर लीजिए, उससे आपको BP की रेगुलर मॉनिटरिंग करना है। हर 2 दिन में 3 दिन में आपको अपना BP चेक करते रहना है। ये दोनों मेडिसिन कम्प्लीटली सेफ हैं, इनके कोई रिएक्शंस नहीं हैं। इन्हें आप दूसरी मेडिसिन के साथ भी ले सकते हैं, लाइक अगर आप हाइपरटेंशन के लिए एलोपैथिक मेडिसिन एमलोवास या टेलवास या कुछ भी जो भी आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो आप ले रहे हैं, तो उसके साथ भी इस मेडिसिन को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। या फिर कोई आप आयुर्वेदिक फॉर्मूला ले रहे हैं तो उसके साथ भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन किसी भी दूसरी मेडिसिन के एक्शंस के साथ इंटरफेयर नहीं करती है, सो बिल्कुल सेफ है। इसके कोई इंट्रैक्शंस नहीं है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है और साइड इफेक्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं है। सो व्यूअर्स, आप ये दोनों मेडिसिन यूज़ करिए हाई BP की शिकायत के लिए। आपकी धीरे धीरे जो ये हाइपरटेंशन वाली परेशानी है धीरे धीरे कम होगी और इसके बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आप जैसे ही आपका BP नॉर्मल रहने लगे तो फिर आप मेडिसिन लेना बंद भी कर सकते हैं। इसको लाइफ लॉन्ग नहीं लेना है आपको ये मेडिसिन को, R85 ड्रॉप्स को और रॉयल्फिया सर्पेंटीना मदर टिंचर को। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।